इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर सर्विस की प्रॉब्लम के बारे में। अगर ये सर्विस आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आपको दिखती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा और फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स दिखती है तो मैनेज ऐप्स को खोल लेना होगा और मैनेज ऐप्स को खोलने के बाद आपको नीचे चले जाना है। तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस दिखाई देगी, यहीं कहीं पर आपको वो सर्विस दिखाई दी जाएगी, ये रही मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर सर्विस। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इसका क्लियर डेटा कर देना है, जितना भी इसका डेटा हो सब यहाँ से क्लियर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, तो इस पर तीनों पर टिक लगाकर ओके आपको कर देना होगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर से रिलेटेड वो सोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।